देवयानी बेंद्रे बनी मुंबई की अध्यक्षा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई सहित राज्य के साहित्यकारों, कला व संस्कृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अब कयास लगाया जा रहा है कि देवयानी बेंद्रे इस विभाग के लिए वरदान साबित होंगी। गौरतलब है कि इससे पहले देवयानी बेंद्रे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इतने कम समय में उन्होंने पार्टी हित में सराहनीय कार्य किए हैं। उन कार्यों के अदौलत महाराष्ट्र के मंत्री व मुंबई अध्यक्ष जयंत पाटिल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सांसद सुप्रिया सुले, विद्या चव्हाण, राखी जाधव, नरेंद्र राणे, राकांपा के साहित्य व कला संस्कृति विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष बाबा पाटिल की सहमति से देवयानी बेंद्रे की नियुक्ति साहित्य व कला संस्कृति विभाग मुंबई की अध्यक्षा पद पर की गई है। देवयानी बेंद्रे को साहित्य व कला संस्कृति विभाग मुंबई की अध्यक्षा पद का नियुक्ति पत्र महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सांसद सुप्रिया सुले के हाथों सौंपा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राकांपा के वरिष्ठ गणमान्य व पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सभी ने देवयानी बेंद्रे को बधाई व शुभकामना दी। शुभकामनाएं भी है कि नई जिम्मेदारी आपको दी गई है एनसीपी में, किस तरह से देखते हैं उसे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानती हैं इसे? सर्वप्रथम मैं समय, राष्ट्रीय न्यूज़ और न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि जिस तरीके से मैं अध्यक्ष बनी हूँ उस अध्यक्ष पद को मैं जज दूँ। इसके लिए आपने मुझे, पहले तो एहसान मंद हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसे किस तरह से देखती है आप और कितनी जिम्मेदारी है और कैसे इसे संभालेंगे? देखिए, अध्यक्ष पद ये छोटा पद नहीं है और इतने कम समय में अगर मैं अध्यक्ष बन रही हूँ तो कुछ क्वालिटीज़ इंसान में होती है और ये क्वालिटीज़ ही आदमी को आगे लेके जाती है और ये क्वालिटीज़ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो, अपनी फीलिंग्स अपने तरह से जिस तरीके से आप में अंदर कुछ भाव है वो लोगों को एक्सप्रेस करना सीखिए। और वही मैंने कम समय में एक्सप्रेस कर दिया कि हम खाली पार्टी या किसी इसके बंधे हुए नहीं है। हम अपनी तरीके से अलग जो हमें भगवान ने देन दी है वो मैंने यूज़ करते हुए हर सर्वधर्म भाव को उस कायम रखा है, इसलिए शायद मुझे अध्यक्ष पद मिला है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना लेकर आप चल रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल है देश भर में, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में, तो ऐसे में किस तरह से सभी कलाकारों को एकत्रित करने का काम आप कर रहे हैं? मैं एक बात बताऊंगी, मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं ज्वेलर हूँ, सोनी हूँ। और मेरे पापा मुझे बचपन में कहा करते थे कि दिव्यानी हर लैंग्वेज तुम्हें सीखनी चाहिए। तब मुझे, मैं छोटी थी, म्यूज़िक तो सीख ही रही थी लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तब मुझे पापा ने राज ठाकरे साहब के पिताश्री और श्रीकांत ठाकरे साहब के पास मुझे उर्दू सीखने भेजा था, जबकि मैं 6th और 7th में थी, छोटी सी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या मतलब होता है। लेकिन आज वो मेरे पिताजी की कोशिश जो थी वो कामयाबी रंग लाई, क्योंकि उनका ये तजुर्बा था, ये मेरी देन मेरे पापा की तरफ से ही है कि हमें सर्व धर्मों को लेके चलना चाहिए, क्योंकि संगीत की भाषा नहीं होती। आज कन्नड़ बोलिए, मलयालम बोलिए, हिंदू की बोलिए, मुस्लिम की बोलिए, क्रिश्चियन की बोलिए, इजरायली बोलिए, पारसी, मैं हर लैंग्वेज में गा सकती हूँ। आपने इजरायल का जिक्र किया है, आपने उर्दू अरबी भाषा में अभी हाल ही में एक जो है दुआ आपने पढ़ी हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से ये आइडिया आया मन में और जिस तरह का माहौल अभी है ऐसे में इतनी जो है कहना चाहेंगे कि डेयरिंग करना, ये कैसे आया मन में? ये डेयरिंग अपने आप हो जाती है क्योंकि हम सिर्फ उस भगवान से डरते हैं, उस परवरदिगार से डरते हैं, तो उसी से हमें डरना चाहिए। बाकी लोगों का क्या आना जाना, हर एक के तजुर्बे का अलग अलग कामयाबी होती है। आज मेरे पापा ने, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर से ये शुरुआत हुई थी, आज मेरे घर में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरे ड्राइवर है या मेरे जो भी सर्वेंट्स है या घर में जो भी लोग आते जाते वो सर्व अलग अलग धर्म के लोग काम कर रहे हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। तो इस तरीके से मैंने सबको लेकर ही चली और मेरे हर त्योहारों में ये लोग बढ़ा चढ़ा के भाग लेते हैं। साहित्य की जिम्मेदारी आपको दी गई है, कला और साहित्य को बचाने की, तो किस तरह से कोई प्लान आपके मन में है कि हाँ आगे आने वाले समय में आप किस तरह से कार्य करने वाली है और जो साहित्य को खास करके
महाराष्ट्र और मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की जो कला है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है, तो उसे बचाने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? इसमें पहले तो मेरी पहल यही रहेगी कि मैं बचपन से वासुदेव करके आते थे, सुबह सुबह हम लोग उनके गाने सुनते उठते थे, फिर माँ वो छोटे छोटे गीत गाती थी वो पुराने ज़माने के मराठी लोगों के वगैरह, तो मुझे वो अभी तक याद है वो चीज़ें। और मेरे पापा बहुत तो अच्छे सुनने वाले थे कव्वालियाँ, वो कव्वाली के एकदम शौकीन थे मेरे पापा, शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे। तो ये सब चीज़ें मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। तो ये साहित्य, चित्रपट, कला, संस्कृति, इसका मुझे वारसा हक मेरे पिताजी से मिला हुआ है, तो मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं होता। और मुझे जो ये मौका मिला, ये संधि मिली है, मैं एक पर्सन इसको नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैंने 2-4 दिन से ही काम शुरू भी कर दिया है, जैसे ही मुझे पद मिला उसी दिन से मेरा काम शुरू हो गया है। और कल परसों हमारी मीटिंग्स हो जाएगी, हमारी कमेटी बन जाएगी, वैसे वो डेवलपमेंट में आ जाएगी और तभी आपको पता चलेगा कि चित्रपट, संस्कृति, कला, साहित्य में आज तक क्या हुआ था और क्या नया हो रहा है एनसीपी में। इसके अलावा जो युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं, कहते हैं कि वहाँ से यदि हम कला को अपने जीवित करें तो वो लंबे समय तक जीवित रहती है, तो क्या इस तरह का कोई विचार है कि स्कूल्स में जाना या फिर कॉलेजेस में जाके जो यूथ है उन्हें अपनी कला के बारे में जानकारी देना, इस तरह का कुछ प्लान आपके मन में चल रहा है? मैंने मेरे बर्थडे कभी पार्टियों में जाके नहीं मनाया, मैंने मेरा बर्थडे अनाथालय या चिल्ड्रन होम या ओल्ड एज कस्टडी रूम, इनमें ही मेरे बर्थडेज मनाए हैं। तो उसमें मैं जाके जब चिल्ड्रन रूम में जाती हूँ तो मैं म्यूज़िकली प्रोग्राम रखती हूँ। म्यूज़िकली प्रोग्राम का ये मतलब होता है वहाँ 2-4 मैं चीज़ें ढूंढती हूँ कि आर्ट के हिसाब से कोई अच्छा पर्स बनाने वाला होता था, कोई अच्छा गाने वाला, कोई अच्छा डांस करने वाला, तो हर तरीके से मैं उसको इन्वॉल्वमेंट देखती हूँ। तो ये नज़रिया मेरा हमेशा पहले से ही रहा, ये पद तो अभी मिला है लेकिन मेरा नज़रिया हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने का होता था। और ये नई ढूंढ में नई चाहत मैं लोगों को छोटे वक्त से शुरू कर दी हूँ। अब युवा वर्ग को कैसे करना है, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अरेंज कर सकती हूँ या किसी लेवल पे बने उतना मैं लोगों को ज़िंदगियाँ देने की कोशिश करूँगी, रोज़गार मिले युवाओं को। इसके अलावा जो लोग इस क्षेत्र में अभी मौजूद है, जाहिर सी बात है लॉकडाउन था और कोरोना काल का दौर गुजरा है तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या उनकी सहायता के लिए कुछ आपके मन में विचार चल रहा है या कोई प्रपोजल है कि आप इस तरह से कार्य करें ताकि वो काम पूरा हो सके? मैंने शायद ये पद तो अभी 2-3 दिन मुझे मिला हुआ है, लेकिन मुझे ये पद मिलने के पहले से 2 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ कि कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी, वो थोड़ी सी मुशक्कतें 1-2 थी, उसमें से अभी खाली एक ही बची हुई है, वो शायद अभी 1-2 हफ्तों में मैं ओपन कर दूँगी। और वो अगर हो गया तो हर आर्टिस्ट हमारे पार्टी को और कला क्षेत्र को कहेगा कि नहीं, हम सच में भगवान ने हमें देन दी है और उसका पूरा पूरा फ़ायदा दिव्यानी जी ने हमारे लिए करके दिया। इसके अलावा जो कलाकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिव्यानी जी इस कुर्सी पर विराजमान हुई है तो वो कोई जिम्मेदारियां उनके लिए भी पूरी करेंगी और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरा करेंगी, तो उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई करने का प्लान है आपकी तरफ से? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं ऑफ़र दे सकती हूँ लेकिन लेना देना उनके हाथ में भी है। अगर आप किसी जातिवाद में इसमें अटके उटके करके अगर अपना नुकसान, क्योंकि आर्ट के मैंने पहले ही कहा कोई भाषा नहीं होती, तो आप मुझसे जुड़िए, मुझसे संवाद साधिए और मैं अपने लिए आपके लिए आई हूँ, अपने लिए नहीं आई हूँ, आपके लोगों के लिए आई, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना बन पड़े, खाली म्यूज़िक ही नहीं, साहित्य भी है उसमें, चित्रपट भी है, कोई एक्टिंग के नाट्य भी है, सब में मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के सबसे कहूँगी मुझसे जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भले के लिए ही आई हूँ और मेरा दिल आप लोगों के लिए धड़कता है, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मैं इतनी दिल से नहीं बोलती थी, क्योंकि आर्टिस्ट वो ही होता है जो दिल से नाजुक होता है, तो वो दिल से नाजुक होकर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे गुजारिश करूँगी कि आप मुझसे जुड़िए, जातिवाद इसमें उसमें ना जाते हुए आप सिर्फ मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। लास्टली जाते जाते, क्योंकि आप आर्टिस्ट भी हैं, तो जनता को किस तरह से अपील करना चाहेंगी और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो आपके साथ जुड़े? मैं सिंगर हूँ तो मैं 2 लाइन से ही कहूँगी।
बस, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।